कच्चे कीमे के कबाब किस तरीके से तैयार हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड आरआरसी। बकरा ईद को लेकर के रेसिपी देने लगा हूं। कच्चे कीमे के कबाब किस तरीके से तैयार हो सकते हैं, टेस्टफुल किस तरीके से बनेंगे बकरा ईद के वाले दिन, गल समझ आ रही है, तवज्जो से देखिएगा। कच्चे कीमे के कबाब तैयार करने के लिए हमने 1 kg कीमा ले लिया, 1 kg दो दफ़ा मशीन में से निकलवा लिया, फिर अच्छे तरीके से स्ट्रेनर में रख के उसका जो पानी वगैरह था उसको ड्रेन कर लिया, ठीक हो गया। इस टाइम पे आगे इसके अंदर हम शामिल करेंगे ये बिरौन वाली प्याज, हमारे पास 3 tablespoons इतनी सी थोड़ी सी ये शामिल कर दें। बिरौन जड़ी प्याज बाजारों में मिलती है, 3 अदद सब्ज़ मिर्चें इस तरीके से शामिल कर देंगे। ये हमारे पास एक प्याज थी दरमियाने साइज़ की, हमने उसको इस तरीके से चॉप करके अच्छे तरीके से पानी उसका निचोड़ लिया, ठीक हो गया। इसमें शामिल कर देंगे कचरी पाउडर 1 tablespoon शामिल कर देंगे, पपीता पाउडर या पपाया पाउडर भी आप शामिल कर सकते हैं, टेंडराइज करने के लिए होता है ये 1 teaspoon भर के नमक ये शामिल कर देंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। खुश्क धनिया पाउडर 1 tablespoon शामिल कर देंगे, रेड चिल्ली पाउडर 1 teaspoon, ये ध्यान में रहे टीस्पून मैं किसको कह रहा हूँ, टेबलस्पून केड़ी शायद आप रहे हैं, ठीक हो गया, ये टीस्पून है। 1 teaspoon जीरा पाउडर शामिल कर देंगे, 1/2 teaspoon कुटी हुई मिर्च शामिल कर देंगे, ये इसके अंदर मीठा सोडा 1 चुटकी, ठीक हो गया, मीठा सोडा शामिल कर देंगे। ये शामिल करके इसके अंदर आप शामिल करेंगे ये चिकन पाउडर है हमारे पास, ये शामिल करेंगे 1/2 teaspoon, ठीक हो गया, चिकन पाउडर 1/2 teaspoon शामिल कर देंगे इस तरीके से। 1/2 teaspoon चिकन पाउडर शामिल करने के बाद हम इसके अंदर क्या शामिल करेंगे, ये हमारे पास मक्खन है बटर जिसको कहते हैं, ये हम शामिल करेंगे, इसको काट लेंगे इस तरीके से, ये 1 tablespoon बनता है, ये 1 tablespoon ये शामिल कर देंगे छोटे छोटे पीस करके इस तरीके से, थोड़ा जमा हुआ है इसलिए पीस कर रहे हैं, ठीक हो गया इस तरीके से। इसके अंदर अभी हम ये बेसन और ये धनिया ये शामिल नहीं करेंगे, इन सब चीज़ों को उठाएंगे और इस तरीके से चॉपर में शामिल डालेंगे, गल जो मुकानी हुई चॉपर में शामिल कर दिया, ऊपर से कवर नहीं नहीं अभी अच्छे तरीके से सफाई कर लेना इधर से, ये सब कुछ उठा के ये चॉपर में डाल दिया और इसको इस तरीके से ऊपर से कवर लगा दिया। हमने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से चॉप किया चॉपर में डाल के, चॉपर को साइड पे कर दे, उसी बॉल में इसको वापस डालने लगे हैं। सुभान अल्लाह, जो प्याज हमने बिरौन डाली है वो इसको खुलने नहीं देगी, गल समझ आई है, और बहुत प्यारा टेस्ट लेके आएगी प्याज बिरौन, इसलिए हमने शामिल किया है इसको ताकि वो इसको नरम भी बनाए और इसको खुलने भी ना दे, ये इस तरीके से। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे धनिया, सब्ज़ धनिया थोड़ा सा शामिल कर देंगे, साथ में हम इसके अंदर शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 1/2 tablespoon शामिल कर देंगे, साथ में हमारे पास यहाँ पर बेसन है, आप भुने हुए चने भी डाल सकते हैं, उनका भुने हुए चने को ग्राइंड करके बेसन भी डाल सकते हैं, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5 tablespoon हमने शामिल कर दिया, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। बिस्मिल्लाह, अच्छे तरीके से मिक्स करके इस टाइम पे आके आपने 1 teaspoon लेमन जूस या 1 लीमू का रस शामिल कर देना है और इसको अच्छे तरीके से दोबारा से मिक्स कर देना है। इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया 3 से 4 मिनट हाथ की मदद से, ठीक हो गया, अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको लैमिनेशन लगा दें और फ्रिज वाले निचले खाने में 2 घंटे के लिए छोड़ दें, 2 घंटे के बाद मिलेंगे आपसे। 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं, इसको हमने फ्रिज से बाहर निकाल लिया इस तरीके से, यहाँ पे हमने ऑयल चढ़ा दिया, आप घी में भी बना सकते हैं, ऑयल में बनाए घी में वो आप पे है। इस तरीके से हमने इसको गर्म कर लिया ऑयल को मीडियम फ्लेम पे, फिर हमने मीडियम टू लो इसका फ्लेम कर दिया, हाई फ्लेम पे हम इसको फ्राई नहीं करेंगे, कुकिंग ऑयल हल्का सा हाथों पे लगा लिया इस तरीके से, और एक कबाब ले लिया नॉर्मल सा इस तरीके से बनाएंगे। अगर हम ज़्यादा छोटा बनाएंगे तो ये सुकड़ता है बनते वक्त, ये गल समझ आई है, थोड़ा सा दरमियाने साइज़ का हम बनाएंगे कबाब ताकि वो अच्छा भी लगे बना हुआ इस तरीके से। इस तरीके से हम थोड़ा सा इसको शेप दे लेंगे कबाब की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें डालते रहेंगे, ठीक हो गया, फ्लेम अब हाई नहीं रहेगा ये बात ध्यान में रहे, फिर हल्का सा कुकिंग ऑयल लगा लेंगे और तमाम कबाब इस तरीके से छोटे या बड़ा साइज आप कर सकते हैं।
फ्लेम हमारा मीडियम टू लो रहेगा। हमारे पैन में 6 कबाब आए थे, इस तरीके से 6 हमने डाल दिए। कबाब डाल के फौरन आपने चम्मच से इनको नहीं लाना, ना इनको ऊपर से आपने प्रेस करने की कोशिश करें तो टूट जाएंगे। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता ये कुक होते रहेंगे। 1 मिनट के बाद, 1 से 1.5 मिनट के बाद इनकी साइड चेंज करेंगे, फिर आपको इनकी कंडीशन दिखाएंगे। इस टाइम पे आके तकरीबन इनको पकते हुए 1.5 मिनट हो गया। अब इनकी साइड को चेंज करेंगे इस तरीके से ताकि साइड से भी ये जान में आ जाए, कलर आ जाए। ठीक हो गया, इस तरीके से हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे और इनको इस साइड से भी कुक होने देंगे, जान में आने देंगे। इस तरीके से ये आहिस्ता आहिस्ता कुक हो रहे हैं और साइडें हम चेंज करते आ रहे हैं। ठीक हो गया, इनका जो फ्राई टाइम है, टोटल कुकिंग टाइम जो है वो 7 से 8 मिनट रहेगा, ये बात आपके जहन में रहे। इस तरीके से इनकी साइडें चेंज करते रहेंगे और इस साइड से इस तरीके से जो कबाब रेडी होता जाएगा, इस तरीके से कलर आता जाएगा, हम उसको यहाँ पे निकालते जाएंगे स्टेनर पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से साइज़ छोटा या बड़ा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ज़्यादा बड़ा साइज़ होगा वो भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए ये नॉर्मल साइज़ मैंने आपको बना के दिखाया। इस तरीके से निकाल लेंगे और बकाया जो कबाब है वो भी इसी प्रोसेस से हम बना लेंगे, उसके बाद आपको इनकी फाइनल लुक दिखाएंगे। ये हमने डाल दिए, इनको भी इसी तरीके से हम फ्राई करेंगे 7 से 8 मिनट, उसके बाद आपको इसकी कंडीशन दिखाएंगे। ये तमाम कबाब हमारे इस तरीके से तैयार हो गए कच्चे कीमे वाले। ये एक छोटे साइज वाला भी बना देता है, छोटा कीमा बच गया से इसको यहाँ पे रख दें। अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं, थोड़ा सा इनका जो ऑयल वगैरह है वो ड्रेन हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारे हमारे जो है ना कच्चे कीमे के कबाब तैयार हुए हैं। इस तरीके से यहाँ पे टमाटर लगा दें, डिश आउट करने लगे हैं। जब आप ईद पे मेहमानों को डिश आउट करके देंगे तो इस तरीके से आपने करना है। इस तरीके से टमाटर लगाने के बाद आपने क्या करना है, सब्ज मिर्चें इस तरीके से 2-3 इस तरीके से यहाँ पे साइड पे रख देनी है आपने। इस तरीके से कबाब को उठाना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से सुभान अल्लाह, इस तरीके से कमाल, खुशबुएं भी कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह हैं। ये यहाँ पे इस तरीके से और ये इस तरीके से, ठीक हो गया। ये यहाँ पे इस तरीके से ऐसे, ये ऐसे और ये यहाँ पे इस तरीके से, ये वाला यहाँ पे ऊपर रख देंगे, ये छोटे वाला इतने साइड पे रख देंगे। ठीक हो गया, अब हमने क्या करना है, इसको साइड पे कर देंगे, यहाँ पे ले आ जाना है। रायता तैयार किया हुआ है सब्ज़ चटनी का, बहुत कमाल का। इस तरीके से ये जो है नॉर्मल है, ये स्पाइसी ज़्यादा नहीं है। अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो फिर इस तरीके से आप चाट मसाला वगैरह ऊपर डाल के इसको खा सकते हैं। इस तरीके से आपने उठाना है, इस तरीके से रायते में लगाना है और इस तरीके से मेहमानों को सर्व करना है, आपने खुद भी खाना है। इस तरीके से मेहमानों को सर्व करना है। अगर आपको हमारी ये ईद स्पेशल, बकरा ईद स्पेशल कच्चे कीमे के कबाब की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन के बटन को दबाया करें, दुआओं में याद रखा करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, इर्द गिर्द लोगों का बहुत सारा ख्याल रखा करें। मेरे भाइयों, मेरे वाल देखो, मेरे लिए, मेरी टीम के लिए दुआएं कर दिया करें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।